आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। इस साल कब है गोपाष्टमी, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सब कुछ विस्तार से। सनातन धर्म में यूं ही गाय को माता नहीं कहा जाता है। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। भगवान श्री कृष्ण की मायाओं का साक्षी रहने वाली मथुरा सहित देश भर में गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण आरंभ किया था, इसलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गायों के संग खेला करते थे और उन्हें गायों से बहुत ज्यादा प्रेम था। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। हिंदू धर्म में साल की शुरुआत से ही एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ, रक्षाबंधन, भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, गोवर्धन पूजा, गणेश उत्सव सहित गोपाष्टमी भी शामिल है। ये सभी तीज त्योहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात का जिक्र पाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण गायों के संग खेला करते थे। उन्हें गाय से बेहद अधिक लगाव और प्रेम था, जिस कारण गोपाष्टमी मनाई जाती है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। जानिए गोपाष्टमी 2024 की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। जानकार विद्वानों के अनुसार पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर को रात 11:56 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 9 नवंबर को रात 10:45 पर होगा। ऐसे में गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। इसमें बम मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:47 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:37 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:30 से 5:57 तक एवं अभिजित मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:26 तक रहेगा। इस दौरान अशुभ समय के बारे में बताया गया है कि राहुकाल सुबह 9:22 से 10:43 तक एवं गुलिक काल सुबह 6:39 से 8:01 तक रहेगा। गोपाष्टमी पूजा विधि जानिए। इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, बछड़ों और गायों को स्नान कराए, सूर्य देव को अर्घ्य दे, इसके बाद गाय और बछड़ों का तिलक करें, चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विराजमान करें, दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की आरती करें, जीवन में सुख शांति की कामना करें, भगवान कृष्ण को माला और भोग प्रसाद चढ़ाए, जिसके बाद गौ माता के अंग में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि से गायों को सजाया जाता है। इसके बाद धूप, दीप, फूल, अक्षत, रोली, जलेबी, कपड़े और पानी से पूजा अर्चना कर उनकी आरती उतारी जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। इसके अलावा गौ माता की परिक्रमा की जाती है, फिर गाय को रोटी, गुड़, फल और मिठाई खिलाए। इसके बाद भगवान कृष्ण और गौ माता से आशीर्वाद ले, अंत में लोगों को श्रद्धा अनुसार दान करें। इस दौरान जिन मंत्रों का करें जप करें वे इस प्रकार है। सुरभि त्वं जगन मातर देवी विष्णु उपदेस्थिता सर्वदेव में ग्रासमया दत्मिमंग्रस ततः सर्वमे देवी सर्वदेवैर्लर कृते मातर माभिलाषितं सफलं कुरु नंदिनी। सुरूपा बहुरूपाष्ट विश्वरूपाष्ट मात्र गावो मामुप्तिष्ठन्तामिति नित्य प्रकीर्ते। अब जानिए गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। भगवान कृष्ण जब 6 वर्ष के थे तब उन्होंने माता यशोदा से कहा कि मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, अब से हम गायों को चराएंगे। माता यशोदा ने कहा कि जाकर नंद बाबा से पूछ लो। कृष्ण ने नंद बाबा से गाय चराने को कहा
तो नंद बाबा ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब चरा लेना, अभी केवल बछड़े चरा। तब कृष्ण जी ने बछड़ा चराने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं केवल गाय चराऊंगा। तब नंद बाब ने कहा कि जाओ पंडित जी को बुला लाओ, वे मुहूर्त देखकर बता देंगे कि कब गाय चराना तुम्हारे लिए सही रहेगा। कृष्ण जी भाग भाग कर पंडित जी के पास गए और कहा कि आपको नंद बाबा बुला रहे हैं और गौचारण के लिए मुहूर्त देखना है, आप आज का मुहूर्त निकाल देना, मैं आपको काफी माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास गए और पंचांग देखकर बार बार गिनने लगे। पंडित जी को देख नंद बाबा ने कहा कि आखिर आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा कि आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और अगले एक साल तक कोई मुहूर्त है भी नहीं। तब नंद बाबा ने कृष्ण जी को गाय चराने के लिए अनुमति दे दी। वह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। यह तिथि आगे चलकर गोपाष्टमी कहला। गायों के महत्व का कारण जानिए। कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थे। वे अपने माथे पर गौरज का तिलक लगाते थे। उन्होंने अपने शब्दों और लीलाओं के माध्यम से लोगों को गौ सेवा के प्रति अपना स्नेह दिखाए। इस तरह कृष्ण और बलराम गौरक्षा के प्रतीक हैं। हिंदू संस्कृति में गायों को कोई साधारण जानवर नहीं माना जाता, गायों को माता माना जाता है। कहा जाता है कि गाय का दूध पीने से हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय रूप से काम करता है और हम अपने शास्त्रों का विश्लेषण आसानी से कर पाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गायों के अंदर 33,000 देवी देवता निवास करते हैं। गाय हमारी समृद्धि का प्रतीक है। गोपाष्टमी का उद्देश्य क्या है जानिए। गोपाष्टमी का मुख्य उद्देश्य गायों की रक्षा करना तथा उनकी सेवा करना है। हमें हमेशा गायों को सुरक्षित, प्रेमपूर्ण तथा देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे कृष्ण की प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जहां गायों की सेवा की जाती है वहां भगवान हरि असीम कृपा करते हैं। हम गायों के आशीर्वाद पर निर्भर है। हमें हमेशा गायों की सेवा करनी चाहिए तथा उनकी देखभाल करनी चाहिए। गाय समृद्धि बढ़ाती है तथा आसपास आध्यात्मिकता स्थापित करती है। चाहे हम शहर में रहें या गांव में, देसी गाय का दूध पीना तथा उससे बने अन्य दुग्ध उत्पादों का उपयोग करना भी गायों की सेवा में योगदान देता है। ऐसा करके हम देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किम दंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।